मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान देकर अपनी फजीहत करा ली। कमलनाथ को इमरती देवी आइटम लगती हैं, लेकिन ये इमरती देवी आइटम बॉम्ब बनकर कमलनाथ पर फूट गई हैं। बीजेपी ने कमलनाथ के इस बयान को मुद्दा बना लिया है। बीते दिनों शहर शहर कमलनाथ के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया गया। हालांकि कल तक कोई भी कांग्रेस नेता ने कमलनाथ के बयान पर सफाई नहीं दी, लेकिन एमपी में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही कांग्रेस मिट्टी पलीत ना हो जाए, ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान पर सफाई दी है। राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल ने इस वाक्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं के प्रति हर स्तर पर हमारे व्यवहार को सुधार की जरूरत है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, बेसिक रिस्पेक्ट हो, सरकार, बिजनेस या किसी दूसरी फील्ड उनके स्पेस को लेकर हो। हमारी महिलाएं हमारा गौरव हैं और उनकी रक्षा होनी चाहिए। हालांकि कमलनाथ के बयान पर राहुल ने भले ही सफाई दे दी है, लेकिन कमलनाथ ने साफ कह दिया है कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, ये उनकी अपनी राय है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। रेखा शर्मा ने कहा कि कमलनाथ माफी मांगने की बजाय बेतुकी सफाई दे रहे हैं, ये उनके लिए शर्मनाक है। ऐसे बयानों से व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है, उनकी पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने नाराजगी तो जाहिर की है, लेकिन देखना होगा कि कमलनाथ के खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई करती है। उधर बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कमलनाथ के ऐसे बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।